चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर। और ये है घनेश, ये बैठा ऊपर, इसका नाम है घनेश। बिल्कुल एक ही जगह स्थिर बैठा है बिल्कुल। इसके पार जाते हैं थोड़ा, ये देखिए यहाँ से अगर आपको दिख पा रहा हो, ये बैठा है, ऐसा लगा जैसे मूर्ति बैठी हो। बिल्कुल ये भी मूवमेंट नहीं कर रहा, ये भी सो ही रहा है। और नीचे आ जाते हैं इसके, और अब आपको दिखाता हूँ मैं शेर। शेर हमारा बैठा है दूर, अभी दिखाता हूँ उसको पास ले जाके। ये बैठा है शेर, ये भी धूप में आराम कर रहा है। हाँ तुम जल कर सभी सो रहे हैं। कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये भी सोया पड़ा है। थोड़ी भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। तेरा ना आ रहा है, तेरे वाला कादी और सोगे मुस्कान होती है। उठ जा भाई साहब, शेर महाराज उठ जाओ, कितनी देर से वेट कर रहे हैं, थोड़ा तो हिलो। ऐसे सो रहे हो घोड़े बेच के बिल्कुल। ये नहीं हिलेगा भैया। तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, आपको शेर दिखाया लेकिन उसको चलते फिरते नहीं दिखा पाया, क्योंकि वो उठ ही नहीं रहा और उसको हम परेशान भी नहीं कर सकते। सोने दो बेचारे को, उसकी भी लाइफ है, हमें सोने देना चाहिए। अब आगे जहाँ हम जा रहे हैं दोस्तों, हैं भारतीय हाथी, बबून और चीता, हमारा नेशनल एनिमल। और ये देखिए दोस्तों बांस के पेड़, बांस कितना महंगा मिलता है और यहाँ पेड़ का पेड़ खड़ा है इसका। और पापा और मैं दोस्तों घूम घूम कर थोड़े थक चुके हैं, क्योंकि बहुत देर से घूम रहे हैं। कुछ चीज़ें सही दिख गई, कुछ चीज़ें नहीं दिखी, बट जो दिखी वो अच्छी लगी और जो नहीं दिखी वो भी ठीक थी। क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में है वही मिलता है देखने को। है ना पापा? हाँ ओके ओके। कितनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत अच्छा एरिया है। और ये देखिए हाथी, इनको खुजली हो रही है। हिचिंग कर रहे हैं वो। ये दो हाथी हैं दोस्तों यहाँ पर, अभी ये नहीं पता ये हस्बैंड वाइफ है या एक हाथी है या उसका बच्चा है, ये तो नहीं पता है। और यहाँ पे है दोस्तों घड़ियाल। घड़ियाल में अंतर होता है, घड़ियाल की जो ये आप देख सकते हैं आगे मुंह सब पतला होता है, और वो पड़ा है हमारा घड़ियाल। ये रहा घड़ियाल, ये घड़ियाल, ये भी सो रहा है। ज्यादातर मगरमच्छ और घड़ियाल सो ही रहे। ये रहा, अब देखेंगे दोस्तों चीता, बिकॉज चीता भी पीता है। ये रहा है सफेद चीता, ये देखो कम से कम ये एक्टिव है। ये रहा दोस्तों शेर ही नहीं हिला लेकिन चीता हिला। ये देखो कैसे घूम रहा है वाइट चीता, मस्त चल रहा है चीता की चाल। दिखने वाले
और अब है दोस्तों जैगुआर, ये आ गया दोस्तों जैगुआर, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, वाओ वंडरफुल, क्या मस्त है, कितना अच्छा लग रहा है। कितना बड़ा है ना, घूम रहा है। और अब देखिए भेड़िया, ओ रहा ये रहा, दो तीन लोग नहीं उड़ के ऊपर देखो, एक तो हो रहा है ये खड़ा है उधर, यहाँ से सही दिख रहा है ये भेड़िया। यहाँ तो कुछ जानवर एक्टिव हैं और कुछ नहीं है, जिसमें शेर को एक्टिव होना चाहिए था वो नहीं था, लेकिन चीता और जैगुआर एक्टिव थे, क्योंकि जब हलचल करते हैं तो अच्छा लगता है हमें भी। हम चिड़ियाघर इसलिए आए हैं कि हम थोड़ा मूवमेंट करता देखे हमने, लेकिन अगर नहीं कोई करता तो थोड़ा ये रहता है कि हम आए हैं और नहीं देख पाए चलता फिरता। और ये ऑस्ट्रिच, वोरा शतुरमुर्ग, ये रहा शतुरमुर्ग, कितना बड़ा है ये, दूसरा जाएगा वो तो खुद खाना खा रहा है, बहुत बड़ा होता है, एक ही आ रहा है देख रहा है, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों ही। और ये है ईमू, ये बैठी है यहाँ पे ईमू, बिल्कुल शांत बैठी है की जगह, छोटी सी ईमू, ईमू ईमू। दोस्तों ये है ईमू, वो तो कोई पक्षी था एक्चुअली, ईमू ये है, ये घूम रहे हैं ईमू ईमू ईमू। ये शतुरमुर्ग की तरह बस उनकी नाड़ लंबी होती है कि छोटी होती है, हैं शतुरमुर्ग की तरह। अब दिखाता हूँ दोस्तों आपको काला भालू, वो बैठा ये रहा काला भालू, मैंने कहा ना शेर की तरह शेर भी होती है, और एक अंदर भी है वो देखो, वो ये दिखने का ये रहा। ये देखिए अब दिख रहा है इसका चेहरा कुछ, अरे भालू भी सोंदू है, सोंदू भालू, और एक उधर बैठा है वो बैठा, ये बैठा है अंदर अपने घर की तरफ मुंह करके, ये देखो ये चल रहा है भालू, वो देखो वो भाग गया, वो भाग गया, वो देखो, चलो कम से कम ये तो जाग रहा है, ये एक्टिव भालू है। आपको और पास से दिखाता हूँ, हीरा घूम रहा है अपना आराम से, यही चक्कर लगा रहा है फिर चला गया। और ये एक लास्ट चीज, जंगली भैंसा, और ये देखिए जंगली भैंसा अपना चारा चरते हुए। और दोस्तों यहाँ पर जो जो चीज़ें थी मैंने आपको सब दिखा दी हैं, सांप पहले थे लेकिन अब सांप घर बंद कर दिया, मैंने पूछा था गार्ड से तो वो बोल रहा था कि सांप घर अब बंद हो चुका है, तो जितना भी एरिया था मैंने सारा कवर कर लिया, भालू रह गया था हमसे बीच में पता नहीं कैसे छूट गया था, तो वो भी हम दोबारा वापस आए, और फिर अब मैंने आपको भालू भी दिखा दिया। अरे देखिए कितना सुंदर नज़ारा है चिड़ियाघर के अंदर, अब हम बाहर के रास्ते पर आ चुके हैं, और इधर तितली है एक,
इसी तरह के अंदर बच्चे मुंह रखते हैं और उनके पेरेंट्स उनकी फ़ोटो खींचते हैं जैसे कि ये खींच रहे हैं। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, यहाँ से फाउंटेन चल रहे हैं और पीछे जो ये पेड़ हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त और सुंदर नज़ारा है, देखते ही बनता है। तो आप अगर दिल्ली आए तो इस चिड़ियाघर ज़रूर आना, इसका नाम है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ये NZP इसी की फुल फॉर्म है। और यहाँ पे लिखा है आई लव दिल्ली जू, एक्चुअली आई लव दिल्ली जू। तो पापा जी खड़े हैं यहाँ पे और इधर है बाहर जाने का रास्ता, तो चलो चलते हैं दोस्तों। हम पूरा चिड़ियाघर घूम चुके हैं, अब जा रहे हैं बाहर। तो दोस्तों पूरा जू हमने घूम लिया है और अब बताना आपको यहाँ क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या अच्छा नहीं लगा। और अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे चिड़ियाघर आना तो आपको आना पड़ेगा पहले प्रगति मैदान, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी जू के लिए और बस वहाँ बस में बैठकर जू उतरना और फिर अपना एंट्री और टिकट आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और यहाँ से भी मिल जाएंगी। वैसे ऑनलाइन लोगे तो आपको बहुत सही रहेगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। और कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।